ये याद रखें कि हमने वो 20, 8, 16 वाला चक्कर ही नहीं है। पहले रोज़े 20, थक गए 16, थक गए 12, करते करते 8, फिर 4 पे भी आ जाएंगे, थकावट ज़्यादा हो गई है, ईमान शायद ज़्यादा उरूज पे चला गया है। चूँकि रमज़ान के रोज़े रखे हैं और रोज़ा जो आपको कमज़ोरी पैदा कर देता है, इसलिए वो 8 और 20 वाला चक्कर ही आपने ख़त्म कर दिया है। ये सुन्नत मुअक्कदा है, जान बूझ कर अगर कोई छोड़ता है तरावी को तो वो सुन्नत मुअक्कदा का इनकार, ये गुनाह है, वो ये गुनाह ना करे। मेहरबानी फरमा कर इसको अदा करे ताकि अल्लाह रब्बुल जलाल उसके नामा अमाल में हर सजदे के बदले बेशुमार सवाब अता फरमाए। और ये जो हदीस पाक मैंने बयान किया मुसन्निफ इब्ने शैबा की, कोई शुबा और कोई इजाला बाकी ना रहे, इसे खबर वाहिद कहा जाता है। खबर वाहिद की तारीफ ये है कि उसे 1 से लेकर 3 रावी उसे रिवायत कर रहे हों। खबर वाहिद 1 रावी से लेकर 3, 10-15 रावी नहीं, 1 से लेकर 3 रावी इसे रिवायत कर रहे हों, उसे खबर वाहिद कहा जाता है। और सहाबा किराम ने खबर वाहिद से हमेशा इस्तदलाल किया है, खबर वाहिद से सहाबा किराम ने इस्तदलाल किया है। और जब सहाबी खबर वाहिद से इस्तदलाल करें तो 1400 साल बाद आने वाले हम लोगों की जरूरत नहीं है कि सहाबा किराम के अमल को हम चैलेंज कर सकें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।